नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एनालिसिस क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस क्लास में सेमेस्टर 4 इकोनॉमिक्स ऑनर कोर पेपर 10 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, हिस्ट्री कोर पेपर 10 है, 2019-22 का क्वेश्चन पेपर है। हमने पिछले वीडियो में कोर पेपर 8 और कोर पेपर 9 को डिस्कस कर रखा है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से नीचे लिंक दिया, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए, आज के वीडियो में देखने वाले कोर पेपर 10 यानी कि हिस्ट्री ऑनर्स। तो चलिए, पहला प्रश्न क्या है आपका, जो क्वेश्चन का पैटर्न रहने वाला, आपको 5 क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जिनमें से क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका कंपलसरी यानी कि लॉन्ग टाइप आपको 4 प्रश्न सॉल्व करना रहता है, और क्वेश्चन नंबर 1 में आपका ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट टाइप के प्रश्न। तो चलिए देखते हैं पहला ऑब्जेक्टिव क्या है। एक का ये में निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन करें। 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें से आपका पहला प्रश्न है ए नंबर, झारखंड स्टेट वाज फॉर्म इन यानी कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ। तो सभी को पता होगा कि झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2020 को हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये होगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर टू आपका, झारखंड पार्टी ने प्रथम आम चुनाव 1952 ईस्वी में बिहार के 352 सीटों में से कितने सीटें जीती। तो 33 सीटों से जीती थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर थ्री होगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न देखने वाले सी नंबर आपको कोर पेपर 10 में झारखंड का इतिहास पढ़ना है, इसलिए आपका जितने भी प्रश्न है सभी झारखंड से हैं। क्वेश्चन नंबर सी में आपका झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी का गठन कब हुआ था। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो पार्टी का गठन 1973 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर डी, ताना भगत आंदोलन मुख्यतः किस जनजाति के द्वारा किया गया। तो ताना भगत आंदोलन मुख्यतः उराव जनजाति के थे। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये होगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर ई, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 किस क्षेत्र पर लागू नहीं है। अगर किसी को इसका आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है एफ नंबर आपसे पूछा गया, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 का संबंध भारतीय संविधान की किस अनुसूची से है। तो ये 9वीं अनुसूची से है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखने वाले जी नंबर में, 1914 में ताना भगत आंदोलन किसने शुरू किया था। तो यह जतरा भगत ने शुरू किया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर एच, हु वाज इलेक्टेड प्रेसिडेंट इन द रामगढ़ कांग्रेस सेशन ऑफ 1940 ईस्वी में। तो 1940 ईस्वी में जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे वह थे, ऑप्शन नंबर 4 होगा राइट आंसर, मौलाना अबुल कलाम आजाद। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है कि आदिवासी महासभा का गठन कब किया गया था। तो आदिवासी महासभा का जो गठन किया गया था 1938 ईस्वी में। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट प्रश्न देखने वाले हैं, लास्ट प्रश्न है, झारखंड पार्टी का पहला अध्यक्ष कौन था। ऑप्शन नंबर ये है जयपाल सिंह, ऑप्शन नंबर बी है एनई होरो, ऑप्शन नंबर सी है शिबू सोरेन, ऑप्शन नंबर डी है निर्मल महतो। तो झारखंड पार्टी का जो पहला अध्यक्ष था वो थे जयपाल सिंह। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। तो ये रहा आपका ऑब्जेक्टिव, बिल्कुल आपका ऑब्जेक्टिव इसी पैटर्न पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे, और आपको बी में आपसे शॉर्ट टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला है, निम्नलिखित में से किन्हीं पर दो संक्षिप्त टिप्पणियां लिखना है। आपको चार रहने वाला है, चार में से आपको दो लिखना रहता है, जिनमें से आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम इस बार के लिए भी, इसलिए आप इसे पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग टाइप के प्रश्न से भी इसे 2-3 प्रश्न बनता है। दूसरा आपका बी में है ताना भगत आंदोलन, तीसरा आपका सिंहभूम में असहयोग आंदोलन, और चौथा आपका जयपाल सिंह मुंडा के बारे में आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो शॉर्ट टाइप के प्रश्न में आपका जो इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ पे छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, इससे प्रश्न पूछा जाता है अक्सर हर वर्ष। तो चलिए लॉन्ग टाइप के प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 से है। जैसे कि आप देख सकते हैं, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की व्याख्या करें। ये प्रश्न आप जरूर इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम के पीछे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप के लिए भी। दूसरा आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है 3 नंबर, ताना भगत आंदोलन पर एक निबंध लिखना है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चौथा आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है असहयोग आंदोलन में हजारीबाग की भूमिका पर प्रकाश डाली। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 2 से 3-4 में यहाँ 2 प्रश्न आना तय है, इसलिए आप 4 प्रश्न तो यहाँ से करना ही होगा। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5, सविनय अवज्ञा आंदोलन में झारखंड की भूमिका पर प्रकाश डालिए। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6 में छोटा नागपुर में भारत छोड़ आंदोलन के समय विभिन्न घटनाओं पर प्रकाश डाल। उस समय छोटा नागपुर में जब भारत छोड़ आंदोलन चला उस समय क्या चल रहा था छोटा नागपुर, ये आपको बताना।
क्वेश्चन नंबर 7 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन पर प्रकाश डालना है। क्वेश्चन नंबर 8 झारखंड आंदोलन के क्या कारण थे व्याख्या करना है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा गया कि झारखंड आंदोलन में विभिन्न स्थानीय राजनीतिक दलों की भूमिका की विवेचना करें। तो झारखंड आंदोलन से एक प्रश्न पूछा जाना यहाँ से तय है, और दूसरा इंपॉर्टेंट है कांग्रेस अधिवेशन जो रामगढ़ में हुआ था उसके बारे में। तो आपसे 2 से 9 नंबर तक इनमें से आपको 4 प्रश्न सॉल्व करना है, और 1 नंबर लॉन्ग टाइप और शॉर्ट टाइप और ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो इस प्रकार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत आप आसानी से लिख लेते अगर आप पिछले ईयर को क्वेश्चन को आसानी से कर पाते। तो थैंक यू गाइज, नेक्स्ट वीडियो इसी से जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते मैं सारा करवा दूंगा एग्जाम से पहले। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद।